आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7 है, जिससे परेशान होकर के एक बार फिर से पारा शिक्षक आंदोलन के मूड में है और इसी को लेकर के पारा शिक्षक आज मंत्री के आवास का घेराव करने वाले हैं और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रतीक, हम उनका रुख करते हैं। प्रतीक, पारा शिक्षक जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर के अब मंत्रियों के आवास का घेराव करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकती हैं कि काफी संख्या में जो पारा शिक्षक हैं वो मंत्री के आवास के बाहर खड़े हैं और कुछ पारा शिक्षक से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और अपने सहयोगी तापस को कहेंगे कि जिस तरह से दिखलाएं कि पुलिस की सुरक्षा भी काफी व्यवस्था, जो रामेश्वर उराव का घर है वो सामने है, वहाँ पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में तैनात की गई है और काफ़ी दूरी पे पारा शिक्षक जो हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और खासतौर पे कुछ पारा शिक्षकों से बात करने की कोशिश करेंगे। रेखा, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे है वेतनमान स्थायीकरण, हमारी मुख्य मांगे वही है, हमें वेतनमान चाहिए, स्थायीकरण चाहिए। कितने दिनों से आप लोग यहाँ जॉब कर रही हैं? विगत 18 वर्षों से हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, विगत 18 वर्षों से हम कार्यरत हैं और हम हर सरकार, जो भी सरकार आई है, हम उनसे यही मांग किए हैं, पर बाकियों से पता नहीं, पर इस सरकार से हमें उम्मीद है कि हमारी मांग पूरी करेगी। इन्होंने वादा किया था हमसे, ये वादा को पूरा करेंगे। हम 65,000 का एक मांग है, हमें वेतन मान दो और हमें स्थायीकरण करो। जाहिर सी बात है, 65,000 पारा शिक्षक हैं, उनका कहना है करण किया जाए और वेतनमान जो 65,000 का है शिक्षकों का वो दिया जाए और खास तौर पे हेमंत सोरेन से इनका कहना है कि काफी ज्यादा आशा है इनकी। क्या ये सरकार जब बन रही थी तो क्या वादा किया था आप लोगों से और आप लोगों ने क्या किया इस सरकार बनने के लिए? सरकार चुनावी सभा में भी बोले थे और जीतने के बाद भी बोले थे, सरकार बनने के बाद भी, कि 3 महीना के अंदर में हम स्थायीकरण। आज साल भर बीत गया, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, तब हम लोग आंदोलन करने के लिए विवश हो गए हैं और आज हम लोग सूबे के वित्त मंत्री के यहाँ हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा 8 कैबिनेट मंत्री के आवास पर है आज धरना प्रदर्शन और हम लोग पूरा उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि इस सरकार से जो मांग है हमारी पूरी होगी। तो ये जो 9 से 10 महीना तो कोरोना पीरियड में ही बीत गया, माना कि पहले कोरोना था, कोरोना की वजह से काम नहीं हुआ, लेकिन बाकी काम जब हो रहा है तो हम लोग भी उम्मीद लगा रहे हैं कि अब हम लोग का भी काम होना चाहिए। हम लोग समय दे चुके हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, सब टीचर हैं। कोरोना था उस समय हम लोग कुछ नहीं बोले, जब अभी काम और विभाग में हो रहा है तब हम लोग आंदोलन करने के लिए विवश हुए। तो आज क्या करना है खासतौर पर, जैसे रामेश्वर उराव जी के घर के बाहर आप लोग हैं तो आज क्या ज्ञापन सौंपने आए हैं? हाँ, आज वादा याद कराने भी आए हैं और ज्ञापन भी देंगे हम माननीय वित्त मंत्री को कि हमारा जो मांग है उस पर हम ज्ञापन देंगे और उम्मीद है कि हमारा मांग पर ये विचार करेंगे। अगर विचार नहीं करे तो क्या फिर आगे क्या विचार नहीं करेंगे तो 10 फरवरी को हम लोग सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ फिर वादा याद करो धरना प्रदर्शन करेंगे एक दिवसीय, तो भी अगर हमारी बात नहीं बनती है तो आगे उग्र आंदोलन होगा, चरणबद्ध आंदोलन होगा। जाहिर सी बात है, उग्र आंदोलन होगा, चरणबद्ध आंदोलन होगा। पिछले 16 सालों से ये पारा शिक्षक जो हैं अपने राज्य सरकार के लिए काम कर रहे हैं और किसी की सैलरी 12,000-13,000 से लेकर मैक्सिमम 16,000 है, तो इनका खास कहना है कि अस्थायीकरण हो और जो सैलरी जो अन्य शिक्षकों की, जो अस्थायी शिक्षकों की होती है 65,000, वो किया जाए। रेखा, बिल्कुल पारा शिक्षकों का बिल्कुल कहना सही है प्रतीक। लगातार जब से सरकार हेमंत सोरेन की बनी है, इनफैक्ट जब रघुवर दास की सरकार थी झारखंड में, उस समय हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे कहा था कि इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और अगर हमारी सरकार बनती है तो इनको इनकी मांगों को अमली जामा तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में आप इस वक्त प्रतीक मंत्री जी के आवास के बाहर मौजूद हैं, क्या इस वक्त मंत्री जी आवास पर मौजूद हैं? क्या उनसे मुलाकात करने को लेकर के पारा शिक्षकों की कोई चर्चा हुई है? क्या उनसे भी मुलाकात करेंगे पारा शिक्षक? और या तो उनका कोई प्रतिनिधि मंडल, पारा शिक्षक का प्रतिनिधि मंडल या तो वहां जाके मिल सकते हैं मंत्री से, या फिर मंत्री खुद कुछ देर में निकलने वाले हैं और उसके बाद इन लोगों की बात सुनेंगे और क्या आश्वासन देते हैं
वो देखने वाली बात होगी रेखा। बिल्कुल, और इसके साथ ही प्रतीक, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हेमंत सोरेन ने खुद ही पारा शिक्षकों से मिलकर उनकी मांगों को पूरा करने की बात कही थी, ऐसे में क्या अब पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने हेमंत सोरेन से खुद मुलाकात कर अपनी मांगों को रखा है उनके सामने? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। तो ये हमारे सहयोगी प्रतीक, जिन्हें आप साफ तौर पर देख रहे थे, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास के बाहर इस वक्त वो मौजूद थे। वहाँ पारा शिक्षक भी बड़ी संख्या में मौजूद थे जो अपनी मांगों को लेकर वहाँ पहुँचे हुए थे। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि उनकी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द सरकार पूर्ण करे, नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन पारा शिक्षकों की ओर से किया जाएगा। बता दें कि पारा शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से मुलाकात भी करेगा और इसके साथ ही अपनी समस्याओं और मांगों से उन्हें अवगत कराएगा ताकि उनकी मांगों को सरकार तक मंत्री के माध्यम से पहुँचाया जा सके। अब देखना होगा कि पारा शिक्षकों के इस आंदोलन के बाद क्या कुछ सरकार की ओर से फैसले लिए जाते हैं।